बचे हैं तो रूट को खत्म करके क्या मैं लिख पा रहा हूं, 1/2 लगा लेंगे जाएगा आपका x बराबर a टू दी पावर साइन इनवर्स t और क्या बचता पूरा पावर 1/2। अब देखिए घात की घात है क्या होता है, जब घात की घात होती है तो क्या घातों का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो जाएगा आपका x बराबर a टू दी पावर 1/2 साइन इनवर्स t साइन इनवर्स t। अब क्या करेंगे हम दोनों पक्षों का टी के सापेक्ष अवकलन, लेकिन यहां पर दोनों पक्षों का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, टी के सापेक्ष जब हम अवकलन करेंगे तो आपको मालूम होगा अपॉन डी एक्स ए टू दी पावर एक्स का जो होता है फॉर्मूला क्या होता है, ए टू दी पावर एक्स लॉग ए बेस ई ये रहता है, तो इसलिए फॉर्मूला में हम इसको तोड़ेंगे तो जाएगा आपका डी एक्स अपॉन डी टी डी एक्स अपॉन डी टी, लेकिन ए टू दी पावर एक्स का क्या पल है, ए टू दी पावर एक्स है तो जाएगा ए टू दी पावर 1/2 साइन इनवर्स टी क्या यहाँ पर है लॉग ए जाएगा इनटू यहाँ पर लॉग ए बेस ई लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ए कितना अभी इसका हुआ ए टू दी पावर 1/2 साइन ऑफ टी का, अभी तो इसका बाकी है करना, इसका भी तो ओपन होगा, जब आप इसका करेंगे तो क्या मिलेगा 1/2 तो रहेगा ही रहेगा ठीक, अब क्या साइन इनवर्स टी हो जाएगा 1/√1 क्या होता है टी स्क्वायर, क्या होता है टी स्क्वायर 1/ क्या होता है 1/√1 स्क्वायर, तो यहां पर क्या है साइन इनवर्स टी हट जाएगा 1/√1 टी स्क्वायर। अब यहां देखिए हो जाएगा आपका ए टू दी पावर 1/2 साइन इनवर्स टी तो जाएगा आपका लॉग ए बेस ई अपॉन में क्या आएगा आपका 2 √1 − t² 1 − t² ये हो गया आपका डी एक्स अपॉन डी टी। उसके बाद देखिए क्या दिया आपको वाई बराबर, अब वाई बराबर लिखने में इस प्रकार चल जाएगा आपका लिखेंगे तो था वाई बराबर दिया हुआ आपको रूट ए टू दी पावर कॉस इनवर्स टी, तो इसको भी हम किस रूप में लिख लेते हैं तो जाएगा आपका वाई बराबर ए टू दी पावर 1/2 कॉस इनवर्स टी। दोनों पक्षों क्या करिए टी के सापेक्ष अवकलन, लेकिन यहाँ पर दोनों पक्षों का टी के सापेक्ष दोनों पक्षों का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो रहा है, दोनों पक्षों का टी के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, चलेगा आपका डी वाई अपॉन डी टी बराबर फिर वही फॉर्मूला ए टू दी पावर 1/2 कॉस इनवर्स टी इनटू क्या जाएगा लॉग ए बेस ई इनटू इसका कितना होगा 1/2 तो रहेगा रहेगा इनटू क्या होगा इसका −1/√1 − t² माइनस इसका होता है माइनस क्या होता है इसका माइनस फिर जाएगा आपका माइनस होता है अगर माइनस ए टू दी पावर 1/2 कॉस इनवर्स टी लॉग ए बेस ई बाय कितना होगा आपका 2 √1 − t² ये हो गया आपका ए डी वाई अपॉन डी टी है और क्या है डी एक्स अपॉन डी टी है, लेकिन हमें क्या निकालना है हमें निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स, इसलिए लेकिन यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर तो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी बराबर dx अपॉन dt।
डीटी मान बदल दिए, यहां से आपको मिलेगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, मान बदलिए डी वाई अपॉन डी टी कितना आपका है माइनस ए टू दी पावर वन बाई टू कॉस इनवर्स सी इंटू कितना आपका है लॉग ए बाई टू इंटू अंडर रूट वन माइनस डी स्क्वायर, यहां इंटू कर लीजिए और अगर इसको बदल दीजिए डायरेक्ट चला जाएगा ऊपर तो आएगा आपका टू इंटू अंडर रूट वन माइनस डी स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा आपका ए टू दी पावर वन बाई टू साइन इनवर्स टी आएगा आपका लॉग ए बेस, यहां से कटेगा आपका ए कटेगा और यहां से क्या मिलेगा डी वाई अपॉन डी एक्स मिलेगा, उसके बाद देखिए क्या मिलेगा और आ जाएगा माइनस ए टू दी पावर वन बाई टू कॉस इनवर्स डी मिलेगा अपॉन में क्या मिलेगा आपको ए टू दी पावर वन बाई टू साइन इनवर्स डी। अब देखिए इसी को हम लिख सकते हैं आपका।